मैं मेयो यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जो वफद आज मेरे पास आया है, जिसके अंदर जो पैटर्न इन चीफ इफ्तिखार नथी साहब, वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद मेयो साहब, सदर मोहम्मद हुसैन मेयो, सीनियर नायब सदर तारिक इकबाल, नवाब नाजिम मेयो, आस मोहम्मद चेयरमैन मजलिस आमला, अमजद शरीफ साहब, शकुल्ला मेयो, आयशा इफ्तिखार नथी, शेर मोहम्मद मेयो और एडवोकेट फिजान नवाब साहब का दिल की तह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे आकर बख्शी। मैं आज इनके आने के हवाले से मुख्तसरन बताना चाहूँगा कि हमारा बेसिकली आज मिल बैठने का मकसद ये था कि तमाम तंजीमें, जितनी भी मेयो बरादरी की तंजीमें हैं, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है या सोशल मीडिया के ऊपर जो एक्टिविस्ट्स हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठा करना है। हमारा मकसद ये है कि जो बरादरी है उसको यकजा किया जाए, ताकि जो भी हमारे माशरे के मसाइल हैं उनको हम अच्छे तरीके से हल कर सकें। और इसके अंदर कोई बड़ा ये छोटा नहीं है। हम ये समझते हैं जिस तरह बाकी कौमें हैं, बाकी लोग अपनी बरादरियों का प्रचार करते हैं, वो अच्छे हों या बुरे, वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमारी बरादरी से अच्छी और बड़ी बरादरी ही कोई नहीं है, और हमारा ये बहुत पुरानी और बहुत बड़ी हिस्ट्री है जिसमें हमने हुक्मरानी की है सब पे। और हम इंडिया से जब यहाँ पे माइग्रेट होके आए तो हम लोगों को भी बॉर्डर के ऊपर ज्यादा इसलिए रखा गया कि उनको पता था ये जंजू कौम है, ये लड़ने मरने वाली है, गैरत के नाम पे ये अपना खून बहाने वाली कौम है। इसलिए हम पूरे वाघा बॉर्डर से लेके आप इंडिया के पूरे बॉर्डर के ऊपर सिर्फ मियो बरादरी ऐसी कौम है जो टैंकों के आगे डंडों के साथ, जिसको हम कहते हैं लठ लेके खड़ा हो जावा के यार कोई भी शुरू आएगा तो हम देख लेगा। तो यहाँ हमारे, मैं सिर्फ आज यही पैगाम देऊंगा कि तमाम मेयो तंजीम इकट्ठी होके और एक प्लेटफॉर्म पे मुतहिद होके, जो हमारी आने वाली नस्ल आ इनन के मारे एक पैगाम देवा उन्होंने कि हम सब इकट्ठा हैं, और जो मसाइल है इनन के, इंशाल्लाह मैं यकीन दिलाऊं कि जो भी मौसू हो सके वो मैं आप सब इनके साथ हूँ, और इंशाल्लाह मौका आने पे आपको पता लग जाएगा कि मेयो बरादरी को ही सपूत हर लेवल पे कंधा ब कंधा, शाना ब शाना आपके साथ चलेगा और आपको पूरा पूरा तहफ़ुज़ देगा और हर जगह पे आपके साथ खड़ो होएगा।